तो सर ये पहचान कैसे आए बंदे में? नहीं, पहचान नहीं आती ना। पहचान के लिए सवाल चाहिए, सच्चा सवाल। पहचान पे वो निकलेगा जिसको सवाल है। सवाल भी इस लेवल का सवाल कि जिसके एवज वो पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करने को तैयार हो, कुर्बान करने को तैयार हो, निसार करने को तैयार हो। इस सवाल का जवाब वहाँ से शुरू होता है। कम से कम क्राइटेरिया इस सवाल के जवाब के लिए कि बंदा कुर्बान होने का पूरा जज्बा रखता हो। इस सवाल के जवाब में अगर उससे उसकी ज़िंदगी मांगी जाए तो बड़ी खुशी से देने के लिए तैयार हो, हथेली पे रख के फिरे कि ज़िंदगी ले लो, सवाल का जवाब दे दो, वो बंदा फिर इस क्राइटेरिया का आदमी है, उसको जवाब मिलता है। बाकी रस्मी सवाल, रस्मी जवाब, तो असल ये चीज़ है कि पहले वैसे बनो तो सही ना। जिसने बीज बोना है वो ज़मीन भी तो देखेगा ना, जरखेज़ है कि नहीं। पत्थर में तो कोई बीज नहीं बोएगा। ये जो असली बंदे होते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं। नकली बंदा उसको मिलता है जो नकल में निकला हुआ होता है। जो असल में निकलेगा उसको असली मिलेगा। फार्मूला चलो फिलहाल बना लो आर्जी तौर पे। पहले थोड़ा सा वो बर्तन साफ तो कर लिया जाए ना, थोड़ा सा बावजू होने की दावत दे रहा हूँ। प्रायोरिटी तो सेट करो, प्रायोरिटी नहीं सेट कर रहे हो तो फिर जवाब नहीं मिलता, या इसका जवाब देना भी चाहिए कि नहीं। ऐसा सवाल मेजॉरिटी कौन सी है पूछने वाली? जिनको हम कह सकते हैं रिलेक्टेंट ट्रैवलर्स, जिन्होंने इस राह पे नहीं जाना, वो ऐसे सवाल पूछते हैं। जो सुएदार चल पड़ा ना, उसको कोई सवाल नहीं है, वो मज़े में। अब कि लोग बस एक रूटीन है, भेड़ चाल है, चल पड़े हैं। जब ही इतने ढेर सारे बंदे उग आए हैं और आगे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिनको गलतफहमी हो जाती है, महज गलतफहमी नहीं होती, वो एबनॉर्मल भी होते हैं जो दावा करते हैं। लोग असल में इस सवाल की तलाश में नहीं निकले हुए, वो बस ऐसे ही जवाब सुनना चाहते हैं।